नमस्कार बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ 2016 का, ठीक है, शेप टू विज्ञान साइंस, समझिए ना। आइए इस विषय में कुछ बात हो जाए, और ये जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान कंपल्सरली ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आइए, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है? तो क्या है उसमें, ठीक है, क्या उसमें में ये कार्य करती है, समझ गया ना। किस कुंडली का प्रतिरोधक ज्ञात करने का सूत्र होता है? किस कुंडली का प्रतिरोधक ज्ञात करने का एक सूत्र बनता है, तो क्या होता है इसका? आर बाय भी बा भी आर बराबर आई बराबर भी बाय वन होता है, ठीक है। तो आइए दूसरा दे, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है, क्या होता है? दिष्ट धारा। क्या प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, ठीक है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण उपयोग होता है? तो हमेशा कौन सा दर्पण का उपयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों? अवतल का। क्या होता है? अवतल का होता है, ठीक है। विभांतर का एस आई मात्रक क्या है? विभांतर का एस आई मात्रक क्या है? तो क्या है इसका? वोल्ट, बोल्ट होता है। क्या होता है? बोल्ट होता है, समझ गया ना। प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम होते हैं? हमेशा दो होता है, समझ गया ना। हमेशा कितना होता है? दो होता है। प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम होता है? हमेशा दो होता है, ठीक है। आइए, एक वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? एक वोल्ट क्या कहलाता है? एक जूल सेकेंड, एक जूल कूलाम, एक जूल सेकेंड, एक जूल कूलाम, एक जूल एम्पियर, कोई नहीं। तो इसका क्या होगा, ठीक है? एक जूल सेकेंड। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभी रासायनिक अभिक्रिया है? तो क्या होगा? उसमें छेपी, उष्मा छेपी अभिक्रिया है। क्या है? उष्मा छेपी अभिक्रिया है, रासायनिक उष्मा छेपी अभिक्रिया है। तो कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? एजी। क्या होता है? एजी होता है, ठीक है। अवरत सारणी के उग्रीय स्तंभों को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? वर्ग, अवरत, उपरूप, कोई नहीं। क्या होता है? वर्ग होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? लोहा कौन है? FeCuNiSb कौन होता है? ये होता है Sb। पीतल है धातु और धातु कि मिश्रित धातु की उपधातु? क्या होता है? पीतल मिश्रित धातु होता है। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7 या 7 से कम, 7 से अधिक या कोई नहीं। तो क्या होगा इसका? 7 से। सरलतम हाइड्रोजन है, सरलतम हाइड्रोजन है, कौन है? मिथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन, कौन है इसका? मिथेन। कुटपात किसमें पाया जाता है? प्रेशियम, युगलान, अम्बिपा या कोई नहीं। तो कुटपात किसमें पाया जाता है? अम्बिबा में। किसमें पाया जाता है? अम्बिबा में। पुष्पीय पौधा में लैंगिक जनन होता है? पुष्पीय पौधा में लैंगिक जनन होता है, किसमें होता है? पत्तियों द्वारा या फूलों द्वारा या तना द्वारा या कोई नहीं। तो किसमें होता है? इसमें फूलों द्वारा होता है, ठीक है। पौधा पुष्प पौधों के द्वारा पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। निम्न में कौन उत्सर्जित अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आंख, कोई नहीं। तो कौन होता है इसका? वृक्क में होता है, ठीक है। शुक्राणु बनता है, ठीक
किसमें बनता है, शुक्राणु किसमें बनता है, वृषण में, इसमें बनता है वृषण में। निम्न कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वायु मुद्रा जल जीवधारी, तो कौन है इसमें, जीवधारी होता है, प्राकृतिक संसाधन जीवधारी होता है। इंसुलिन की कमी से होता है क्या, होता है मधुमेह होता है।